मैं आज बड़े कमाल लड़के के साथ खड़ा हूँ। इसका नाम है राजा ब्लॉग, समस्तीपुर से, बिहार से, और बहुत ही कमाल का काम करता है। मैसेजेस देता है वीडियो के थ्रू, कैसे इंस्पायर करना चाहिए, कैसे पेरेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना टाइम निकालकर, एफर्ट्स डालकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। काबिल ये लड़का है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसका काम देख रहे। बिहार का नाम रोशन करो, और तुम जैसे लोग जो बिहार के अंदर होंगे तो बिहार अपने आप बदल जाएगा। अपने बूढ़े माँ को अनाथ आश्रम में फेंकाते हैं। हाँ। और मैं उस वीडियो में यही संदेश देता हूँ कि अगर आप गरीब घर से भी हो। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं मुंबई में उतर चुका हूँ, जैसे कि कल वाला आप लोगों ने ब्लॉग देखा था। अभी दूसरा ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली मेरे साथ में तो है नहीं। पति शिवाजी एयरपोर्ट पे उतरा हूँ अभी जस्ट, तो भैया जी आ रहे हैं, उन्हीं के रूम पे मैं रुकने वाला हूँ। अभी तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। बड़ा अच्छा सा लगता है कि जिसको आप सपना में देखो और अपने मेहनत के बदौलत वो भी हवाई जहाज से उड़ के आओ, बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, आप यहीं से हैं क्या? मुंबई से? हाँ, बोले। कितना रुपया लीजिएगा? 120 रुपया एक आदमी का? सिर्फ एक ही आदमी आपको डायरेक्ट ही लेके जाएगा। अच्छा, ये हाँ। रिजर्व कर रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए। हाँ। कुछ ज्यादा हो रहा है, वैसे बहुत खर्चा हुआ है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 30 रुपया दे देना। चलिए कोई बात नहीं, 30 रुपया में काम हो गया। अच्छा, ये मुंबई है ना? हाँ मुंबई है। हमको यकीन नहीं हो रहा है। पहली बार आया ना, इसीलिए। स्टूडेंट है क्या भैया आप? स्टूडेंट है आप? कहाँ से हैं आप? मुंबई से ही रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ का भाषा क्या है? तेरे को मेरे को तुला माला। अच्छा, ये मराठी हो गया? मराठी। अच्छा, अंधेरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमारे भैया जी हमें रिसीव करने के लिए। यहाँ के एक भैया हमें मिले थे जो ऑटो में बैठे हुए, उन्होंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ जाना है व्लॉग करने के लिए, फिर यहाँ पे गणपति विसर्जन होने वाला है, वो भी आप व्लॉग कर लेना। भाई भी लाया, अभी बोल रहे थे कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं। कितना है? ठीक है आप? ठीक हूँ बस। जी हमें मिले थे, वो चल चुके हैं अपने दुकान के लिए क्योंकि उनका शॉप पे काम रहता है। तो हमने बोला कि आप ब्लॉगिंग के चक्कर मत रहिए क्योंकि मेरा डेली वीडियो बनाना रहता है। तो अभी यहाँ से हमें जाना है यमुना नगर योशी वाड़ा बोलते हैं ना, हाँ उसका नाम पड़ जाता है। तो हमें जाना है, चलिए वहाँ जाने के बाद पता करते हैं। चल चुके हैं यमुना नगर योशी वाड़ा, मतलब थोड़ा बिहार से है ना, तो यहाँ का नया नया नाम सुनते हैं तो बोलने में थोड़ा सा अटपटा जाते हैं। बाकी एक बात समझ में आती है कि जब हम राजस्थान गए थे ब्लॉग करने के लिए, उतना ज़्यादा अभी कठिन नहीं क्योंकि अभी आराम से घूम लेते हैं, कहीं भी जाना हो बेफिक्र, क्योंकि ब्लॉगर के लिए कहीं भी घर रहता है। जब भी मन है तब रेलवे स्टेशन पर सो जाओ, बस स्टैंड पर सो जाओ, बट अभी नहीं सोएंगे क्योंकि इतना महंगा फ़ोन है भाई साहब, चोरी भी हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना हम पटना में आ चुके हैं, सब कुछ सेम है, जैसा वहाँ है वैसे वहाँ भी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पता नहीं ऊपर वाला कब सपना पूरा करेगा जो ऐसे बिल्डिंग में हम रहेंगे। बस बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन कर तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हो जाए लाइफ में। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, जो भी एड्रेस पूछोगे वो बताते रहेंगे आपको कि भैया ऐसे ऐसे करके चले जाना। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, देखो मैं किस जगह पर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी थोड़ा बहुत वीडियो देखे होंगे, सोनू सूद सर के घर के पास में हूँ। देखो आप लोग, जो हमारे रियल हीरो हैं, मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। अभी भाई साहब ये सोचने वाला बात है, इतने लोगों को मदद करते हैं ये, कि सच में सबसे बड़े सुपरस्टार। और किस तरीके से लोगों का मदद करते हैं? आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ मैं, एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आया, जैसा कि अभी आप लोग को बताया नहीं थे कि हम सोनू सूद सर के घर पे जा रहे हैं अचानक से, क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सारी वीडियो को कवर करूँ, जो भी हो पूरे एनर्जी के साथ मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैं हूँ अभी मुंबई में। अगर मुंबई में मैं अगर कुछ नहीं कर पाया ना तो कहीं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। बट एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा कि सोनू सर के जो वर्कर वगैरह हैं सबके सब बिहारी हैं, तो सोचने उनका गार्ड भी बिहारी है, और उनका जो मेन कह सकते हो मैनेजर शायद मैनेजर हैं, वो गोरे गोरे हैं, आप लोग बताना, मैं उतना जानता नहीं, वो भी बिहारी हैं। और एक हमारे भैया सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पहचान लिया हमें, और उन्हीं की रिक्वेस्ट पे जो है वीडियो कॉलिंग बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि राजा ब्लॉग आए हैं, सर से थोड़ा बात करवा दिए, तो हल्का सा ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस 1-2 दिन का वेट करो, सर के साथ जो है फुल्ली ब्लॉग आने वाला है। अब मैं क्या बताऊँ, जहाज़ से भी आने में पूरे शरीर में थकावट हो जाती, थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ ना, इसी बहाने चल चल के थोड़ा पतला भी हो जाऊँगा। तो अभी चलते हैं रूम पे,
रूम पे जाएंगे क्योंकि हमारा फ्लाइट वाला ब्लॉग का एडिटिंग भी करना है और उसके बाद फिर देखते हैं। कुछ ऐसा है, हम जा रहे थे अंधेरी रेलवे स्टेशन, तो हमने सोचा कि चलो, ये अंकल जी ऑटो चलाते हैं और ये यूपी के रहने वाले थे, उन्होंने बोला कि आप देख लो अमिताभ बच्चन जी का बंगला कैसा है। हाँ सर, चलो थोड़ा घूम लेते हैं। अभी ऋतिक रोशन जी का, अजय देवगन का, सबका हमने बंगला देखा, लेकिन वीडियो अभी हमने शूट नहीं करा है। अच्छा 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 इधर सब सारे के सारे। हाँ हाँ, अच्छा उन्हीं को देखने के लिए क्या? हाँ अच्छा, अमिताभ बच्चन को देखने के लिए इतने लोग खड़े हैं कि अमिताभ बच्चन सर घर से बाहर निकलते हैं। हम सोचते हैं चलो रास्ते में जब जा ही रहे हैं तो दिखा देते हैं। मैं जाने से पहले हम सोच रहे थे ना, यहाँ पे काफ़ी फेमस एक जुहू बीच जहाँ पे काफ़ी सारे टिकटॉक स्टार सेलिब्रिटी वगैरह जो है वीडियो बनाने के लिए आते हैं। चलो हम भी थोड़ा देख लेते हैं जा करके और आप लोग को भी दिखा देते हैं साथ में। ब्लॉग हमको करना है, एक दिन में दो ब्लॉग करना है क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ और जितना से जितना हो सके मैं कवर कर लूँ 3 से 4 दिन के अंदर में, क्योंकि हमारे घर पे जो है त्यौहार है तो त्यौहार करने के लिए भी जाना है। देखो काफ़ी सारे लोग आ जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। पहुँच चुके हैं जुहू बीच पे, बहुत नाम सुना था, वीडियो वगैरह में देखा करते थे। काफ़ी सारे स्टार यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आया करते थे, आज अपने नज़रों से भी देख लिए। मुंबई का जुहू बीच, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई साहब। अच्छा, खुला आसमान, आगे समुद्र है और ये सामने का व्यू देखोगे ना तो कहोगे वाह। ये देखो, अरे गजब, पूरा बालू है। काफ़ी सारे क्रिएटर वीडियो बनाते हैं ना तो ऐसे ऐसे भागते रहते हैं। अरे अरे अरे, ओए ओए ओए, भींग गया भींग गया भींग गया मैं। ओ भाई, पूरा जूता भींग गया मेरा। ये देखो समुद्र की लहर है, ये देखो। बैग लेकर के वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा थका सा महसूस कर रहा हूँ। मन कर रहा है कि इसी सब रेस्टोरेंट में जितना सारा है खाना वाना जा करके खा ले, लेकिन भैया जी बोल रहे हैं कि आप मेरे रूम पे आकर के खाना। सीधे मिलते हैं आप लोग से रूम पे ही, फिर कल से हम ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है। मुंबई का लोकल ट्रेन गाइस, हमें उतरना है महालक्ष्मी स्टेशन से। पहली बार सफ़र किया था, फिल्मों में देखते था कि लोकल ट्रेन या फिर ब्लॉगर वगैरह यहाँ का जो वीडियो बनाते थे। सवेरे से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फ्लाइट का ब्लॉग, और अभी मैं जाता हूँ रूम पे जाऊंगा, ब्लॉग को इन भी करूंगा, एडिटिंग भी करूंगा। महालक्ष्मी स्टेशन पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो ये भैया जी हमारे सब्सक्राइबर मिले, वो भी मुंबई में। और रहने वाले कहाँ से आप? यूपी से। मेरा ब्लॉग देखते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अचानक से मिल गया, इंस्टाग्राम पे भी हम देखते हैं। अरे यार थैंक यू सो मच। मैं फ्लाइट पकड़ के मुंबई आया हूँ, कम से कम 10 व्यक्ति तो मिल चुके होंगे फोटो के लिए और सब्सक्राइबर जो हमें पहचानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है यार, हम भी सेलिब्रिटी बन गए क्या? जो भी देख रहे हैं राजा ब्लॉग आप वीडियो बनाते हो, मैं आपको जानता हूँ, मैं खुद सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कोई एक चीज़ दिखाना तो हम भूल ही गए भाई साहब, ये देखो रात का नज़ारा, वाह। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इधर नहीं, बिल्डिंग इधर नहीं है, मतलब साइड साइड में है। और मुंबई में अभी रात के 9 बजने वाले, फिर भी लोग यहाँ पे जगे हुए। हमारे बिहार में क्या होता है कि रात में 8 बजे सब सो जाते हैं, गांव के इलाका में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब कामकाज वाले लोग रहते हैं। इतनी फैक्ट्रियाँ वगैरह, इतनी इंडस्ट्रीज है, काम के लिए आते हैं सब दूर। अगर मैं मुंबई में होता ना तो एक शॉर्ट फिल्म बना लेता, ये सारा लोकेशन को रात दिन दिन रात एक करके वीडियो को शूट करता और आप लोग के लिए एक शॉर्ट फिल्म बना के दे देता। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और जिस वीडियो को लाया हो थोड़ा सा तो वेट तो करो, सारा अपडेट देना पड़ता है, एक एक बातों को कवर करना पड़ता है। तो जैसे सोनू सूद सर के घर पे गए थे तो उनके मैनेजर वगैरह थे, उन्होंने बोला कि बस आप मॉर्निंग में हो सकता है तो आइए, नहीं तो इवनिंग में। तो अभी मॉर्निंग में जैसे कि हमने कॉल किया तो वो अभी आए नहीं है, हमें इवनिंग में जाना है और सर से मिलवाना। बस जस्ट बगल में वीडियो है यार, भागना मत, आप लोग देखते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सर से मिलवाते हैं अपने रियल हीरो से। मैं आज बड़े कमाल लड़के के साथ खड़ा हूँ, उसका नाम है राजा ब्लॉग, समस्तीपुर से बिहार से, और बहुत ही कमाल का काम करता है, मैसेजेस देता है वीडियो के थ्रू, कैसे इंस्पायर करना चाहिए, कैसे पेरेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना टाइम निकाल कर एफर्ट्स डालकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं समाज में। ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, बहुत ही काबिल ये लड़का है और मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसका काम देखकर। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा ऐसे कमाल का काम करते रहो मेरे भाई,
बिहार का नाम रोशन करो, और तुम जैसे लोग जो बिहार के अंदर होंगे तो बिहार अपने आप बदल जाएगा। समस्तीपुर में आता हूँ तो मैं आके मिलता हूँ तेरे, खाना वाना खाता हूँ तेरे यहाँ, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। मेरा एक ही संदेश रहता है कि काफी सारे लोग होते हैं कि अपने बूढ़े माँ को अनाथ आश्रम में फेंकाते हैं, और मैं उस वीडियो में यही संदेश देता हूँ कि अगर आप गरीब घर से भी अगर किसी चीज को पाना चाहते हो, अगर दिल से लगन से काम करोगे तो शिद्दत से मिल जाता है। जैसे मैं आपको देखता हूँ, बॉलीवुड में कई सारे एक्टर है, मैं सबको देखता हूँ, बट आप एक अलग टाइप, मुझे लगता है कि आप फिल्मों से अलग, एक रियल हीरो, किसी को भी आप मदद करते हो तो ऐसा लगता है कि इनसे मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। जैसे किसी असहाय लोग सहारा करना उनके लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद सोनी सूद हूँ। मैं काफी लोगों को मैं वीडियो से भी मदद करता हूँ, दो चार पैसे बचता है तो मैं लोगों को दे भी देता हूँ कि हाँ आप अपना घर चलाओ, क्योंकि मैंने वैसे मजबूरी देखी। हमेशा याद रखना भाई, जो दुआओं की लगाम पकड़ के घुड़सवारी करते हैं ना, उनको मंजिल मिलती जरूर है, इसलिए दुआएं कमा। और जो बच्चे अपने माँ बाप को पीछे छोड़ते हैं तो याद रखिए, कल आप भी माँ बाप बनेंगे, आपको भी उसी अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा, तो इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप बहुत कीमती होते हैं, जिनके पास नहीं होते उनको उनकी वैल्यू पता रहती है ना। ऑल द बेस्ट, ऐसे कमाल करता रहा ऐसे, ठीक है? अभी जस्ट मैं सोनू सर से मिल करके आया हूँ, और जैसे मैं उनसे मिलने के लिए गया था वैसे मेरे से भैया मिलने के लिए आए। भाई साहब उनकी कदर करते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे फैन आते हैं मुझे मिलने के, मैं भी कदर करूँ यार। भाई को यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे हूँ, बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी आप इतना दूर से चल के इधर तक आए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप पहले लस्सी पी लो, फिर आराम से वीडियो बनाते हैं। अभी जस्ट रूम पे आए थे, खाना वाना खा लिए बढ़िया तरीके से भैया जी के साथ में, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हमें ना भाई साहब तलब लग चुकी है रील्स बनाने का, तो भी किसी भी हालत में रील्स बनाना है, क्योंकि पास पास से नहीं ये बिल्डिंग जो है ना, मतलब जुगनुओं की तरह, तारों की तरह चमकता है। आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, यार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर स्टेट से देख रहे पूरा पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, और जैसा कि आप लोग से हम वादा किए थे कि अपना रियल हीरो रियल सुपरस्टार से मिलने के लिए मुंबई जाने वाले हैं, या फिर मिल लिए हैं, तो ये हमने सस्पेंस पे रखा था, आज वो क्लियर हो चुका है। और सर से मिलने का यही मोटिव था कि वो रियल में सुपरस्टार का लक्ष्य को अच्छा कीजिए, बेटर कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और उनसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है ना कि मैं भी बॉलीवुड में काम कर सकता हूँ। ये है क्योंकि बॉलीवुड का ऐसे नॉर्मल व्यक्ति, काफ़ी सारे मीडियाज पे होता है ना कि अलग बिहेवियर होता है स्टार बनने, अच्छा बेटा है, एक अच्छा व्यक्ति है सोनू सूद सर, और बिहार से ढेर सारा प्यार, समस्तीपुर से, पूरा इंडिया से उनको, पूरा वर्ल्ड से ढेर सारा प्यार है। आप लोगों का फर्ज ये बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, बगल में इंस्टाग्राम कर लीजिए, जाकर के फॉलो कर लीजिए। कम से कम हम यही चाहते हैं कि अगर ये वीडियो वायरल जाता है तो हमारा कम से कम अप्रोक्स 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर होगा नहीं, क्योंकि मैं इस काबिल अभी नहीं हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, आप लोग को और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जीवन में। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ, और बस यही कहूँगा कम से कम 3 लाख कम्प्लीट करवा दो। सब्सक्राइबर रुके हुए हैं, मुंबई आना, मुंबई में सर से मिलना, वीडियोस बनाना, ये आसान नहीं होता, हर कोई यूट्यूबर नहीं बना पाता है। तो आई होप गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, बस सपोर्ट करते रहो, अपने कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।